पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएलआईटी डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, फन इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे क्रिएट टेबल। अब लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे जो हमने टेबल क्रिएट करनी है। तो हम फिलहाल एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम लिखेंगे आइटम आइटम, इसको हम लिखेंगे स्मॉल में ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये टेबल का नाम है, जो भी हम टेबल का नाम रखना चाहें वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके अंदर लिखेंगे टेबल्स के फील्ड कॉलम्स। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाए गए आइटम आईडी, इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, अब ये हमारा जो आइटम आईडी होगा ये प्राइमरी की होगा, इसके हम स्पेस डालेंगे और इसमें लिख देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी प्राइमरी की फिर स्पेस देंगे और इसमें लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखने से क्या होगा, जब भी हम फील्ड ऐड करेंगे तो आइटम आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। लिखते हैं इसमें ए यू टी ओ ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। अब लाएंगे कॉमा, अब दूसरा फील्ड लिखते हैं, दूसरा फील्ड लिखते हैं क्लास आईडी देते हैं। फील्ड जो लिखेंगे हम स्मॉल में लिखेंगे। अब क्लास आईडी का जो है डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा ये इंटीजर में, इंटीजर। अब लिखते हैं आइटम नेम, तो आइटम नेम फील्ड लेते हैं, इसको स्मॉल में लिखते हैं। अब आइटम नेम का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, फिर कॉमा लगाएंगे
और फिर लिखेंगे रेट। तो रेट एक फील्ड है। अब इसका डेटा टाइप है तो ये रियल में लिखते हैं, क्योंकि ये जो है डेटा स्टोर करेगा, न्यूमेरिकल डेटा फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करेगा, तो इसकी डेटा टाइप होगा रियल। फिर कॉमा लगा देते हैं। अब आता है आइटम यूनिट, इसको हमने स्मॉल में लिखना था। आइटम यूनिट इसका डेटा टाइप होगा टैक्स में, टैक्स। फिर कॉमा लगा देंगे। फिर अब हमें नेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसमें एक इमेज भी ऐड कर देते हैं, तो हम लिखते हैं इसमें IT आइटम, IM आइटम इमेज। अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, BLOB ब्लॉब। अब इंटर करेंगे। अब लिखेंगे DB, तो DB स्मॉल में है। डॉट एग्जीक्यूट SQL। अब यहाँ पे पास करेंगे हम क्रिएट टेबल, राइट। अब ये फील्ड हमारा जो है, अब एक टेबल हमारी ये तैयार हो गई। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम लिखा हमने आइटम, तो आइटम टेबल हमारी रेडी हो गई। इसी तरीके से हम और टेबलों को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन टेबलें क्रिएट की, एक की है आइटम, दूसरी टेबल क्रिएट की कैटेगरी, और तीसरी टेबल ऐड की लेजर। आप अपनी सुविधा से टेबलें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन हमने क्रिएट टेबल क्रिएट किया है, इसको हम क्रिएट डीबी के अंदर लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। एप्लीकेशन रन हो गया है। क्रिएट एसक्यूएलआईटी डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, तो कोई एरर मैसेज नहीं आया, इसका मतलब हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन रन हो गया। अब क्रिएट एसक्यूएलआईटी डेटाबेस के अंदर क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया एप्लीकेशन क्रैश हो गया। अब इसका कारण क्या था कि टेबल्स हमारी बन चुकी थी और डुप्लीकेट टेबल्स बन नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड और लिखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिएट टेबल, इफ नॉट एग्जिस्ट इससे क्या होगा कि अगर टेबल उपलब्ध नहीं रहेगी, एग्जिस्ट नहीं रहे करेगी, तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, और टेबल ऑलरेडी रहेगी तो टेबल क्रिएट नहीं होगी। अब दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। क्रिएट एसक्यूएलआईटी डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, अभी कोई एरर नहीं आया।
अब हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल क्रिएट हुई है। उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले कर्सर क्रिएट करेंगे, कर्सर डीबी डॉट रॉ क्वारी सेलेक्ट नेम फ्रॉम एसक्यूलाइट डॉट मास्टर, एसक्यूलाइट मास्टर वेयर टाइप टेबल। इस क्वेरी को लिखने से क्या होगा कि हमारे पास जो है मास्टर से कितनी टेबल की क्वारी आ जाएगी। फिर लिखेंगे कर्सर डॉट गेट काउंट, इफ कर्सर डॉट गेट काउंट ग्रेटर देन 0 तो हमें मैसेज आ जाएगा कि हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ गया कि हमारे पास इतनी टेबलें क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये था एसक्यूएलआइट में डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।